गणित दर्पण से जुड़ने वाले सभी छात्रों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको सब्सट्रैक्शन से संबंधित कुछ प्रश्न करवाऊंगा, जिससे कुछ अगर आपकी समस्या है इससे जुड़ी हुई तो वो दूर हो जाएगी। तो चलिए यहाँ पे देखिए, सबसे पहले घटाव सब्सट्रैक्शन है वो करना कैसे है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो सरल बताता हूँ, उसके बाद में जो कठिन जिसमें अधिकतर छात्र है वो गलत करते हैं उन प्रश्नों को हम करेंगे। तो देखिए ये जो क्वेश्चंस हैं, चार टाइप के मैंने क्वेश्चंस लिए, चारों में कुछ अलग सीखने को आपको मिलेगा। तो ये वीडियो आपको अंत तक देखना है ताकि आपकी घटाव से संबंधित है वो किसी प्रकार की गलती नहीं होगी। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, राइट हैंड साइड से घटाना है वो प्रारंभ करना है। तो देखिए 9 में से 4 को घटाएंगे, अब 9 में से 4 को कम करना है, 9 में से 4 है वो कम हो गए, यानी कितने रहे यहाँ पे 5, यानी 9 में से 4 गए 5 आ गए। ये क्वेश्चंस अधिकतर सही कर देंगे, परंतु ये जो क्वेश्चंस हैं उनमें काफ़ी जने गलती करते हैं, इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाने का सोचा है। तो आपको ध्यानपूर्वक इसको समझ, यदि आपने ये वीडियो बीच में ही स्किप कर लिया तो आप नई बात सीखने से वंचित रह जाएंगे, इसलिए आपको इस वीडियो को कंप्लीट देखना है। देखिए यहाँ पे 9 में से 4 गया 5 आ गया, फिर 3 में से 3 इजीली जा रहा है यानी 3 में से 3 घट गया तो क्या आ गया 0। फिर देखिए 6 में से 2 घटा कितना आ गया 4, ठीक है इसमें कोई दिक्कत नहीं। 8 में से 5 गया क्या बचा 3, ये ईजी था बिल्कुल, इसको हर कोई कर पाएगा भाई, इसका आंसर है वो निकाल पाएगा, ठीक है। उसके बाद में देखो यहाँ पहला क्वेश्चन करते हैं, इसमें आपको क्या करना है, 0 में से 5 घटाना है। अब 0 में से 5 घटता नहीं तो क्या करेंगे हम, कैरी लेंगे। तो यहाँ से मैं कैरी लूँगा राइट, पड़ोसी से कैरी लेंगे। अब पड़ोसी के पास में कुछ नहीं है, ये खुद 0 है, तो क्या करेंगे इसके पड़ोस के में जाएंगे, यहाँ पे आपको जाना पड़ेगा, यानी कैरी है वो यहाँ से जाएगी। अब देखो यहाँ 1 है, इसमें से यहाँ जाएगा पहले 0 के पास में, जैसे ये कैरी गया ये 0 है वो क्या हो गया 10, क्या बन गया 10। अब देखो अब 0 के स्थान पर ये 10 हो गया, यानी मैं इजीली इस 10 में से यहाँ कैरी ले जा सकता हूँ। तो यहाँ से कैरी 1 जाएगा तो यहाँ हो गया 10, और यहाँ से 10 में से 1 कम हो गया, यानी यहाँ पे क्या बचा हमारे पास 9। आपको समझने वाली बात यही है, अच्छे ढंग से समझना है कि यदि आपके पड़ोसी में जाते हैं, पड़ोस में जाते हैं, अगर यहाँ पर भी 0 है तो उसके पड़ोस से आपको कैरी लेना है। तो देखिए यहाँ पे हमारे 10 बन गए, और 10 में से 5 को घटाऊँगा तो इजीली चला जाएगा, आ जाएगा 5। अब चूँकि मैंने यहाँ से जब ये 10 बने थे, 10 में से 1 कैरी मैंने यहाँ ले लिया था, यहाँ क्या बचा था 9, तो 9 में से जब 3 लेस होंगे तो क्या आ जाएगा 6। अब देखो यहाँ पे समझने वाली बात है वापस, कि यहाँ 1 था, 1 में से मैंने 1 को उधार ले लिया तो यहाँ पे क्या हो गया 0 राइट। अब देखो 0 में से 1 जाता नहीं है वापस, तो क्या करेंगे वापस कैरी लेंगे, तो 5 में से 1 कैरी आएगा यहाँ, तो यहाँ हो जाएगा 10, और 10 में से 1 इजीली जाएगा, कितने बचेंगे 9। अब चूँकि 5 में से 1 कैरी लिया तो क्या बचा 4, और 4 में से 2 है वो इजीली घट जाएगा, क्या बचेगा 2। तो इस क्वेश्चंस को आप पहले करना, उसके बाद में इस वीडियो को वापस देखना, हो सकता है आपकी गलती हो तो इस वीडियो से आपके जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएगा, और इजीली भविष्य में आप इस प्रश्नों को गलत नहीं करेंगे। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आप खुद बना के प्रैक्टिस कर सकते हैं, कई सारे आप अपने हिसाब से इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं ताकि भविष्य में किसी प्रकार की गलती ना हो। चलिए इसको करते हैं। अब 1000 में से आपको 934 को लेस करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ से 0 में से 4 जाता नहीं तो क्या करेंगे, पड़ोस के पास जाएंगे उधार लेने। अब पड़ोस के पास में 0 है, यहाँ पर भी कुछ नहीं है, तो क्या करेगा ये इसके पास जाएगा, ये भी 0 है तो ये किसके पास जाएगा, यहाँ से। अब यहाँ से आ गया हमारे पास 0 के पास में 1, तो ये हो गया 10। अब ये 10 है वो इजीली यहाँ कैरी दे सकता है, तो ये तो हो जाएगा 10 और यहाँ हो जाएगा 9। अब 10 है, ये 10 इसको दे सकता है, तो यहाँ हो जाएगा 10, यहाँ हो गया 9, ठीक है। अब हम इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं, देखिए 10 में से 4 गया क्या बचा 6, चूँकि यहाँ से 10 में से कैरी चला गया था तो यहाँ बचा 9, और 9 में से 3 लेस हो गया क्या बचा। उसके बाद में देखिए यहाँ पे 9 था और 9 में से 9 गया क्या बचा 0, यानी और यहाँ से 1 में से मैंने पहले ही उधार ले लिया था तो ये 0 ही है, तो आंसर है वो हो जाएगा 66, ठीक है। उसके बाद में ये करते हैं, चलिए चौथा देखिए,
जीरो में से एक घटता नहीं है तो क्या करेंगे, यहाँ से कैरी लूंगा तो कितना हो गया यहाँ 10, और 10 में से एक गया क्या बचा 9। अब आप इजीली इसको कर सकते हैं। उसके बाद में देखिए यहाँ पे 6 में से एक कैरी चला गया था क्या बचा 5, तो 5 में से 0 गया क्या बचा 5। 0 में से 5 है वो जाते नहीं है, यहाँ से कैरी लेना पड़ेगा तो कितने हो गए यहाँ 10, और 10 में से 5 चले गए तो कितने बचे 5, और यहाँ से कैरी चला गया था तो 3 बचा, 3 में से 1 गया क्या बचा 2। तो इसका आंसर हो गया 2559। तो इस ढंग से घटाव वाले जो क्वेश्चन है और कैरी वाले, इनको ध्यानपूर्वक आपको प्रैक्टिस करना है ताकि भविष्य में किसी प्रकार की आपके बड़े प्रश्नों में गलती ना हो। थैंक यू।